नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सरकार बनने के लगभग 84 दिनों के बाद 9 फरवरी को हुए कैबिनेट विस्तार में 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के 9 जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 8 लोग मंत्री बने हैं। वहीं हाल ही में MLC बने भाजपा के बड़े नेता शहनवाज हुसैन को भी मंत्री बनाया गया है। उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया है। शहनवाज हुसैन BJP के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। 12 दिसंबर 1968 को सुपौल जिले में जन्मे शहनवाज हुसैन शुरुआती दिनों से ही केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। यह पहला मौका है जब शहनवाज राज्य की राजनीति में आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा TV चैनल के साथ बातचीत में शहनवाज हुसैन ने बताया था कि जब वह केंद्रीय मंत्री थे उसी दौरान मुंबई के कुछ फिल्म निर्माता उनसे लगातार संपर्क में थे। फिल्म निर्माता शहनवाज हुसैन को बतौर हीरो फिल्मों में लॉन्च करना चाहते थे। फिल्म निर्माताओं के कई बार अनुरोध करने पर शहनवाज हुसैन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस संदर्भ में बात भी की थी। इस बात पर वाजपेयी ने उन्हें पहले ठीक से निहारा और फिर कहा कि आप राजनेता ही अच्छे हैं, फिल्मों की बातें रहने दीजिए। शहनवाज हुसैन ने इसी के बाद फिल्मों में जाने का मन बदल दिया था। बता दें कि शहनवाज हुसैन देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद खास करीबियों में से एक रहे हैं। साल 2003 से 2004 तक वाजपेयी की सरकार में शहनवाज केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। शहनवाज ने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1999 में 13वें लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू किया था। बहुत ही कम उम्र में शहनवाज हुसैन केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी बने थे। इस दौरान वह मानव संसाधन, युवा मामले, खेल, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग जैसे विभाग संभालते रहे हैं। 2001 में शहनवाज कोयला मंत्री और बाद में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे। 2003 में वो कपड़ा मंत्री भी बने थे। आपको बता दें कि साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में शहनवाज हुसैन हार गए थे। फिर 2006 में दोबारा भागलपुर सीट से चुनाव जीते। 2014 का लोकसभा चुनाव बेहद कम अंतर से हार गए। इसके बाद 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट ही नहीं मिला। इस वजह से शहनवाज हुसैन राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहे थे, लेकिन शहनवाज हुसैन लगातार BJP के प्रवक्ता की भूमिका निभाते रहे हैं। बता दें कि शहनवाज हुसैन के नाम देश के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी है। उन्हें द ओरिजिनल यूथ लीडर भी कहा जाता है। अब शहनवाज हुसैन को बिहार का नया उद्योग मंत्री बनाया गया है। उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में इंडस्ट्री लाना, निवेश बढ़ाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और अब उद्योग की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए हम इंडस्ट्री लाने के लिए प्रयास करेंगे। शहनवाज के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे नए अवसर पैदा करने के साथ साथ हम पार्टी की तरफ से किए गए रोजगार के वादे को पूरा कर पाए यह सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने चुनावी वादे में 19 लाख बिहार के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की बात कही थी। आपको बता दें कि उद्योग मंत्री बनने के बाद शहनवाज हुसैन भाजपा के उसी वादे को पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।